Pull it out the coop at the lot. Turn it for a 12, fuck swat. Bustin' all the bells out the box. I just hit a leaf with the box. Had to put the stick in the box. सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आ चुके एक बार अपन फिर से। तो गाइस यहाँ पे आपको पता होगा बीच में अपन एक सीरीज स्टार्ट किया था और अभी मैंने छोड़ दिया था बीच में, जो स्टैगर में बीच में अपन कंपेरिजन निकालते थे भाई कौन सा स्टैगर बेस्ट है। भाई वापस से वो लेके आ चुका हूँ मैं। तो आज भी दो स्टैगर में फाइट होने वाली है भाई, इन दोनों में से विनर कौन बनेगा आज तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, जो इन्फॉर्म स्टैगर है और जो एक अपना राकेश स्टैगर है, आपको तो पता होगा राकेश स्टैगर में एक प्रॉब्लम है, बहुत से लोग को पता है और किसी किसी को नहीं पता है, उनको भी बता दूंगा वैसे तो वीडियो में बता दूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। और चलो गाइस यहाँ पे अपन दोनों स्टैगर का गेम प्ले करने वाले हैं इसी वीडियो में। और भाई चलते भाई गेम प्ले करते स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्म स्टैगर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना, फिर बाद में अपन देखेंगे भाई पग कौन सी लेनी है। और बहुत ही आने वाला आप लोगों को मज़ा है इस वीडियो को देख के। तो चलो फिर पग भी सिलेक्ट कर ही लेंगे अपन यहाँ पे जल्दी से जाके। और ध्यान से देखो अभी कौन सी पग, सबसे नीचे जाके देखता हूँ अभी कौन सी पग है अभी। तो यहाँ पे चलो सबसे नीचे वाले जो एम्ब्रोस लिया के आए थे, छोड़ यार उस पग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है, मैंने यार वीडियो अपलोड कर लिया था सुबह में और उसमें यार जो स्टैगर का कंपेरिजन है वो डालना भूल ही गया था, मतलब कौन सा स्टैगर बेस्ट है वो बोलना भूल ही गया था, इसलिए मैं डबल से वीडियो बना रहा हूँ और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गाइस। यार मैं कैसे भूल गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया और ये वीडियो फिर से एडिट कर लिया। इसमें मैंने कंपेरिजन के साथ सबके साथ डिटेल के साथ वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। और स्टैगर का सब लेंथ दिखाने वाला, एम दिखाने वाला, फुल पावर दिखाने वाला, तो एंड तक बने रहना है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले गेम प्ले फोकस करते हैं और यहाँ पे देखो भाई अपने ओपन गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया भाई का। यार भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार मतलब गाइस शुरू होते ही खत्म हो जाता अपना गेम प्ले, मतलब एक ही ब्रेक लगाया था भाई मैंने और भाई वो गेम प्ले भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से उनका नेट प्रॉब्लम दे रहा हूँ और भाई यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपन इजीली विन हो जाते हैं फर्स्ट गेम प्ले। तो चलो भाई सेकेंड गेम प्ले पे लगाता हूँ। पर यहाँ पे देखो भाई अपने ओपोनेंट भाई बोलते भाई प्लीज़ रिकॉर्ड करो गेम प्ले को, और भाई मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी करता हूँ और बाद में देखना आप लोगों ने किस तरह से लुल्लू शॉट मारने की ट्राई करते हो लास्ट में और भाई मिस भी कर देते। वैसे तो बहुत सारे लुल्लू शॉट मारने वाले, अभी देखो ध्यान से ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया वीडियो को, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा। तो आपको देखो सबसे पहले तो इन्होंने खर कनेक्शन मारा भी लुल्लू कनेक्शन, और यहाँ भी सिंपल कनेक्शन ही चढ़ी है तो आसानी से कोई भी मार सकता है। अभी ध्यान से देखना, ये भी सिंपल है, ये भी कोई मार सकता है। अब यहाँ पे आपको पता चलने वाला है भी लुल्लू बॉक्स वाला प्लेयर है कि नहीं होने वाला है। तो इतना खड़ा मतलब इतना स्ट्रेट कट भाई कोई नहीं मार सकता, ठीक है ना, फेयर प्लेयर। और देखो भाई कितने आसानी से मारता है भाई बंदा ये, मतलब यार तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता अभी ऐसे शॉट भी कहाँ से लाती है। तो चलो गाइस यहाँ पे टॉप फ्लैप में इसको भी कनेक्शन मारने ट्राई कर रहा है अभी कनेक्शन मारने का, पर यहाँ पे देखो गाइस मिस हो जाता है इस और यहाँ पे गाइस अपने को मिल जाता है अभी चांस। और यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरह से अपन इसकी बेइज्जती करवाने वाले, ठीक है ना। तो वैसे तो अपने सब्सक्राइबर थे, ठीक है ना, वैसे कोई मैं बेइज्जती नहीं करने वाला, बता रहा हूँ मैं आपको इस तरह से इनडायरेक्ट गेम प्ले फिनिश करेंगे ना अपन, देखना आप लोगों ने ध्यान से। तो टॉप फ्लैप में मैं इसको पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो यू आर गुड, थैंक यू सो मच मेरे भाई, पर तुम यार लुल्लू बॉक्स यूज़ कर दे मुझे अच्छा लगा एम कैरम। तो चलो कोई नहीं यार, अपनी अपनी बात है, अपना अपना सोच है भाई, आपको कुछ भी करना है मुझे पूछ के थोड़ी करेंगे आप लोग। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं रिबाउंड शॉट मारता हूँ भाई, लुल्लू बॉक्स को बात ही नहीं करते यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैं टॉप फ्लैप में रिबाउंड शॉट भी मार लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये टॉप लेफ्ट में मैं अपना जो रिबाउंड शॉट था वो भी मार लेता हूँ और टॉप फ्लैप में एक कॉइन भी अपनी इनडायरेक्ट पोर्ट हो जाती है भी। बाद में इस वाली को भी रिबाउंड शॉट मारता हूँ इनडायरेक्ट, और लास्ट वाली कॉइन को भी मारता हूँ भी इनडायरेक्ट। और गाइस मैं इनडायरेक्ट क्यों पोर्ट कर रहा था भाई, क्योंकि वो सामने वाला एम कैरम से खेल रहा था, उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करवाने के वास्ते मैं इनडायरेक्ट खेल रहा था यहाँ पे। और देखो ध्यान से आराम से पोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ। तो गाइस थोड़ी सी बेइज्जती करवाए तो थोड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना, क्योंकि गाइस यहाँ पे अपन फेयर में इतना इनडायरेक्ट खेल लेते हैं वो भी अच्छी तरह से। और भाई एम कैरम होते साथ ही ये भी कॉइन मिस कर लेते हैं और यहाँ पे वेल प्लेट बोलते हैं थैंक यू सो मच भाई। और चलो गाइस यहाँ पे क्या करने वाला, भी ब्रेक तो अपने को मिलता है। तो फिलहाल देखो दो कॉइन को मैं पोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, इन्फॉर्म स्टैगर से खेल रहे हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे देखो भाई अपना ओपोनेंट भाई फ़ोन लगाया जा रहा है यहाँ पे, भाई थोड़ा गेम पे फोकस करने दे प्लीज़। और टॉप फ्लैप में देखो मैं इसको पोर्ट करता हूँ, दो कॉइन पोर्ट होने वाले मेरे ख्याल से। चलो एक टॉप राइड में भी पोर्ट हो जाती है, कनेक्शन था यहाँ पे, किस शॉट मारता हूँ मैं टॉप फ्लैप में, बहुत ही प्यारा चले जाता है शॉट ये। और चलो भाई टॉप राइड में इसको भी मारते हैं आराम से। अब देखो टॉप राइट में इसको मारता हूँ, जो अपनी रेड वाली कॉइन ऊपर की वो भी रिलीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हो चुका है अपना आसानी से गेम प्ले शिवर। तो टॉप फ्लैप में इसको मारे बाद ये जो कॉइन है भाई वो भी निकल चुकी है अपनी फाइनली, और इसको भी टॉप राइड में मार के
ये इजीली गेम प्ले विन कर लेते हैं अपन, हम चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले पे, और ये राकेश टाइगर से होने वाला है। तो राकेश टाइगर से सबसे पहले ब्रेक टू ब्रेक करने वाले अपन। और गाइस अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं करो तो यार क्या करो, प्लीज़ वीडियो को जाकर लाइक करो, और बीच इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे जाके, इंस्टाग्राम पर रील डाल देते यार। अभी भी कैरमपुल के कल एक वीडियो आने वाला है रील का अपना, उस पर ठीक है ना, मतलब कैरमपुल का गेम प्ले आने वाला है, जो जाके चेकआउट कर लेना आप लोगों ने। तो और जो अपना मेन चैनल है उस पर भी आने वाला है शॉर्ट वीडियो। और चलो गाइस टॉप राइट में इसको मारता हूँ मैं, कुछ कॉइन निकालने की ट्राई करेंगे अपन। और यहाँ पे देखो एक कॉइन निकल चुकी है अपनी अच्छी तरह से। तो अब मैं टॉप लेफ्ट में इसको सेंटर वाली कॉइन को मारने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई अपने ओपन के दो कॉइन होते साथ ही मैंने सेंटर से निकाल लिया अपनी कॉइन इजीली मार के। और भाई टॉप राइट में इसको मारता हूँ, जो टॉप लेफ्ट में जो कॉइन फंसी हुई थी वो भी निकल जाती है अपनी बहुत ही आराम से। चलो भाई बहुत अच्छा बात हो चुकी है यहाँ पे, अब देखो तीनों कॉइन अपनी श्योर है वैसे भी। तो मैं सबसे पहले तो इसको आराम से पोर्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे देखो ये वाली जो कॉइन है इसको भी आराम से मैं पोर्ट करूँगा टॉप और राइट में, क्योंकि दिक्कत नहीं होने वाली अपने को। तो चलो मैं इसको बहुत ही आराम से मतलब स्लोली मारूँगा, ठीक है ना, कम पावर यूज़ करूँगा स्टैगर का, और इजीली मैं इसको भी पोर्ट कर लेता हूँ। अब इसको तो थमको तो अपन भाई बच्चा बच्चा भी मार सकता है, थमको आपको तो बताऊँगा। और ये गेम प्ले इजीली विन हो जाती है अपन, और राकेश स्टैगर का फर्स्ट गेम प्ले। और यहाँ पे अपने ओपनेंट की ब्रेक आती है, ओके, और यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर ले रहा हूँ मैं। और चलो भाई लव यू ब्रो, लव यू टू यार। और यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट में ये इधर मार रहे थे और कुछ कॉइन निकालने की ट्राई कर रहा था बंदा, और भाई यहाँ पे कनेक्शन मार रहा है गोट यार। और यहाँ पे देखो टॉप लेवल मेरे ख्याल से इस वाले कॉइन को पोर्ट करने की ट्राई करेंगे वो, वैसे तो एक ही कॉइन जा रही है वहाँ पे ये वाली। और देखो ये वाली कॉइन्स को कट मार के निकाल सकता गाइस, पर इसने रिबॉन शॉट खेला इसी कारण उसकी सभी कॉइन भी फंसे हुए। अगर जो उसको कट मारता था ना गाइस तो उसकी कुछ कॉइन निकल जाते थे शायद, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे उसने गलती करा और यहाँ पे अपने भी चांस मिल जाता है उसकी गलती से। और यहाँ पे देखो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, टॉप लेवल में सबसे पहले जो श्योर कॉइन है इसको पोर्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखो अब क्या करता हूँ, अभी फिलहाल देखो यहाँ पे जो सीधी कॉइन जा रही है ना अपनी टॉप लेफ्ट में, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस करता हूँ, थोड़ा सा रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ, अपनी कॉइन को भी रिलीज़ करने की ट्राई करता हूँ, और थोड़े से कॉइन भी रिलीज़ हो जाते हैं अपने। और मैं इसको फिर लॉन्ग कट मारता हूँ भी घुमा के, पर यहाँ पे स्टैगर घूम के भाई डबल डायरेक्ट थम में आ जाता है वो भी अपने ओपोनेंट की कॉइन को हटा के। ओके कोई नहीं, चलो अभी किस शॉट मारेंगे प्यारा सा टॉप राइट में, मेरी नज़र में आ गया तो आपको तो पता है चूल मच जाती है कभी कभी। तो टॉप लेफ्ट में मैं इसको मार लेता हूँ, और बहुत ही प्यारा कनेक्शन और मतलब ब्रश शॉट चले जाता है अपना। और टॉप राइट में इसको भी पोर्ट करता हूँ, अभी फिलहाल देखो चार कॉइन बाकी है अपने। तो गाइस यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, आप देखो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे पैरिस में लगा के गेम पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एम पावर सब फुल है इसका, एम पावर से अपने को एम और पावर से मतलब है, और आपको जो पता है टाइमिंग का उसका कुछ लेना देना नहीं अपने को। तो इसकी लाइन देखो लेंथ का कहाँ तक जा रही है, मतलब गाइस बॉल के आगे तक की जा रही है यहाँ पे, मतलब दो पॉइंट निकल रहे रेस के बाहर से आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो मैं राकेश टाइगर का भी दिखा देता हूँ गेम प्ले करके, यहाँ पे चलो कट करते ओपोनेंट को दे देते गेम यहाँ पे, और राकेश टाइगर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो राकेश टाइगर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जाते हैं भाई फिर अपने पैरिस में, और फटाक से जाके गेम प्ले लगाते हैं, और आपको वहाँ पे दिखाता हूँ भाई इसमें क्या फर्क है स्टैगर में। और बहुत से लोगों को पता ही होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, मतलब पहले से प्रॉब्लम है भाई, क्या गिलेज के क्या है मुझे नहीं पता, गिलेज होगा तो भाई अपडेट तो आ चुका है ना कैरमपुल में, तो फिक्स होना चाहिए। तो इतना मुझे समझ में नहीं आया अभी तक इन्होंने क्या गेम निकले वालों ने। तो यहाँ पे ओपोनेंट की ब्रेक आती है, चलो फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे जल्दी से हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड कर लिया अपन ने। तो यहाँ पे देखो ध्यान से गाइस, इसका जो लेंथ है उसका जो एक पॉइंट दिख रहा है ना रेस के बाहर जा रहा है अपने ओपोनेंट के, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही जा रहा है, वहाँ पे दो पॉइंट जा रहे थे अपने जो इन्फॉर्न स्टैगर था अपना, उसका पॉइंट दो जा रही थी, और इसमें एक एम और पावर कम है गाइस, मतलब इसमें क्या गिलीच है क्या मालूम, इसमें जो पावर है ना पावर भी कम है और एम भी कम है, ये प्रॉब्लम है। और इसमें विनर कौन बनता है आपको पता ही होगा गाइस, अपना इन्फर्नो स्टैगर मतलब बहुत पावरफुल स्टैगर है, और मुझे तो वही पसंद आता है राकेश टाइगर से, अच्छा वही लगता है। तो आपको कौन सा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, चलो गेम प्ले फोकस करते हैं। तो गाइस दोनों स्टैगर में कंपेरिजन करके बता दिया मैंने कौन सा बेस्ट है, तो आपको कौन सा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई वो वीडियो में बहुत ही खतरनाक मिस्टेक हो गई थी, मतलब बोलना ही भूल गया था मैं स्टैगर कौन सा बेस्ट है, तो इस वीडियो में बता दिया मैंने आपको डबल से वीडियो बनाकर। और गाइस यहाँ पे देखो मैं इसको टॉप लेफ्ट में पोर्ट करता हूँ, वैसे तो लास्ट गेम प्ले होने वाला है, तो लाइक कर दो यार, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे वाली है। तो मिलते हैं हर वीडियो के साथ कल, तो अभी के लिए बाय बाय।